केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है जो दिवाली के आसपास ही होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के बाद 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं अब तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इससे 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि का लाभ मिल सकता है। इस दिशा में उठाए जा रहे कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की बात हो सकती है। पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से केंद्र सरकार की कर्मचारी यूनियन 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग लागू करने का ड्राफ्ट 1 जनवरी 2026 तक तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग को साल 2014 में लागू किया गया था। किसी भी आयोग की समय सीमा 10 साल की होती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 7वें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म होने से पहले 8वें वेतन पर काम करेगी। यह सिफारिश 8वें वेतन की तरफ से की जा सकती है। आपको बता दें कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा, कौन कौन से भत्ते मिलने चाहिए और रिटायरमेंट के समय कितनी पेंशन मिलेगी। मौजूदा 7वें आयोग की समय सीमा खत्म होने पर ही किया जाने की उम्मीद है। हालांकि आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन किसी भी आयोग के गठन के बाद से उसे अपनी सिफारिशों तैयार करने में आमतौर पर 12 से 18 महीने का समय लगता है। कर्मचारियों की सैलरी, अन्य वित्तीय लाभ के समायोजन की सिफारिश से पहले आयोग की तरफ से इकोनॉमिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी संशोधन के बारे में कर्मचारी यूनियनों में 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन इस समय सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर समझौता किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पेंशनर्स और सैलरी को तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर जरूरी होता है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 6वें वेतन आयोग की न्यूनतम वेतन की तुलना में 7वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 18,000 रुपए महीना हो गया है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई है और वही अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपए, अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए हो गई है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाएगा। हालांकि इसके लिए किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि 7th पे कमीशन की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया है। इसी के आधार पर केंद्र कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई। आंकड़ों को देखें तो 7वें वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी हाइक मिला था। हालांकि बेसिक सैलरी 18,000 रुपए की गई। वही चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर को बदलकर 3.68 गुना तक रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 27,000 रुपए हो सकता है, लेकिन सूत्रों की माने तो इसे बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। इस न्यूनतम सैलरी में 3,000 रुपए का इजाफा हो सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी 21,000 रुपए हो सकती है। फिलहाल ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।